नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का RPSC एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज के वीडियो में अपन बात करेंगे मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है, रेखा और कोण से संबंधित। तो रेखा और कोण का जो अपना टॉपिक है आज, उसके ऊपर दोस्तों अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे रेखा व कोण। दोस्तों, रेखागणित अपनी शुरू हो चुकी है, अंकगणित के सारे टॉपिक मैंने करवा दिए हैं, मैथमेटिक्स की पेडागोजी भी आपको करवा दी है। तो अभी जो अपना रेखागणित ही सिर्फ बचा है, तो रेखागणित आज से दोस्तों अपन स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल आपको जो सटीक तरीके से पढ़ाया जाएगा, जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं के ऊपर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। फालतू क्वेश्चंस आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे। पहले दोस्तों कॉन्सेप्ट को देखेंगे, कहाँ से क्या शुरू होता है, उसके बाद अपन जो है आगे बढ़ेंगे और बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट मैं करने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले आप अगर बता सकते हो तो बता सकते हो, बिल्कुल सही है कि ये क्या है आपका, बिल्कुल सही बात है आपकी, ये क्या दोस्तों आपका बिंदु है, इसको क्या बोलते हैं, बिंदु बोला जाता है। अब दोस्तों इसको बिंदु बोलते हैं, और बिंदु जो होता है उसकी न तो कोई आकृति होती है, यानी कि उसकी कोई भी शेप नहीं होती, और न ही उसका कोई माप होता है। बिंदु केवल किसको दिखाता है, बिंदु जो है वो केवल स्थिति को दिखाता है, स्थिति को बताता है या दिखाता है। बिंदु जो है वो केवल स्थिति को बताता है, न उसकी आकृति होती है और न ही कोई आकार होता है। आप इस चीज़ को दोस्तों लिख लीजिएगा साथ साथ नोट्स में। वैसे मैं आपको PDF नोट्स की भी अवेलेबल करवाऊंगा जब मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस हो जाएगा, तो PDF में आपको जो है सारे नोट्स अवेलेबल करवाने की कोशिश करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर रेखा व कोण में बिंदु अपन ने देख लिया क्या होता है। अब एक बिंदु अगर मैं और ले लूँ, यहाँ पर ये बिंदु A मान लूँ और ये बिंदु B मान लूँ, अब इन A और B बिंदु को जब मिलाएंगे तो इस जो ये आकृति जो अपनी बनी है दोस्तों, इसको अपन बोलेंगे रेखाखंड। इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, रेखाखंड, यानी कि दो बिंदुओं से मिली, दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी को अपन क्या बोल सकते हैं, या फिर दो बिंदुओं को मिलाने पर बनी आकृति को दोस्तों क्या कहते हैं, रेखाखंड बोला जाता है। रेखाखंड जो होता है वो क्या होता है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ही जो है, दो बिंदुओं को मिलाने पर जो आकृति बनती है उसको क्या बोला जाता है दोस्तों, रेखाखंड बोला जाता है। तो रेखाखंड भी आप समझ गए होंगे कि क्या होता है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली आकृति को ही रेखाखंड कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। अब एक बात कर लेते हैं दोस्तों किरण की, किरण क्या होती है, ठीक है दोस्तों। ये अपने पास एक रेखाखंड है AB, इस AB रेखाखंड में मैं यहाँ पर ये A है, ये बिंदु B है, ठीक है, और इसमें जो है रेखाखंड AB में मैं B बिंदु को अगर अनंत दूरी तक बढ़ा दूं, या फिर A बिंदु को अनंत दूरी पर बढ़ा दूं, यानी कि अब ये जो अनंत दूरी पर बढ़ाएंगे तो इस प्रकार का निशान, इस निशान का मतलब क्या है कि ये जो है, ये जो आपकी ये किरण है वो कहाँ तक जा रही है दोस्तों, अनंत तक जा रही है, कहाँ तक जा रही है, अनंत तक। तो इसको बोलते हैं दोस्तों किरण, इसको क्या बोलते हैं, किरण, इसको दोस्तों बोला जाएगा किरण, ठीक है। यानी कि रेखाखंड अगर एक तरफ से अनंत की तरफ जा रहा है तो उसको किरण बोला जाता है। और दोस्तों रेखा किसको बोला जाता है, रेखा दोस्तों बोला जाता है जब रेखाखंड, रेखाखंड के दोनों बिंदुओं को अनंत दूरी तक बढ़ा दिया जाता है तो उसको बोलते हैं दोस्तों आपकी रेखा। तो बिल्कुल याद रखिएगा कि जिसमें दोनों तरफ बिंदु ऐसे हों वो तो होता है रेखाखंड, जिसमें एक तरफ ऐसे बिंदु और एक तरफ इस प्रकार का निशान हो उसको बोलते हैं किरण, और दोस्तों दोनों तरफ इस प्रकार का निशान हो यानी कि दोनों तरफ अनंत दूरी तक जो जाती हो उसको अपन क्या बोलते हैं, अपनी रेखा दोस्तों बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ रेखाखंड, किरण और रेखा में आप डिफ्रेंस करना समझ गए होंगे। तो ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसको आप ध्यान से थोड़ा देख लीजिएगा। अब दोस्तों सरल रेखा क्या, किसे बोलते हैं, दो बिंदुओं के मध्य जो सीधी दूरी एक प्रकार की, वो सरल रेखा आपकी कहलाती है। दो बिंदुओं के मध्य की सीधी दूरी एक प्रकार से सरल रेखा कहलाती है। अगर दो बिंदुओं के मध्य ए और ये बी आपका, ये क्या दोस्तों बी है, ये आपका A हो गया, ये B, और इन दोनों बिंदुओं के मध्य, सॉरी A और B, इन दोनों के मध्य जो टेढ़ी मेढ़ी दूरी है, इस टेढ़ी मेढ़ी को दूरी को दोस्तों वक्र रेखा बोलते हैं। कौन सी रेखा, वक्र रेखा दोस्तों बोला जाता है, यानी कि दो बिंदु यदि टेढ़ी मेढ़ी रेखा से मिले हुए हैं तो उनको
वक्र रेखा एक प्रकार से बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन कोण के बारे में। तो ये थी रेखा के बारे में, जिसमें पहले बिंदु के बारे में बात की, फिर बिंदु से दो बिंदुओं को मिलाने पर रेखाखंड बन गया, रेखाखंड को एक तरफ से अनंत की तरफ बढ़ा दिया तो किरण बन गई, दोनों तरफ से बढ़ा दिया अनंत की तरफ सरल रेखा बन गई, या फिर आपकी रेखा बन गई, सरल रेखा होगी, दो बिंदुओं के मध्य न्यूनतम दूरी सरल रेखा, और दो बिंदुओं के मध्य अगर टेढ़ी मेढ़ी दूरी बनी हुई है, ठीक है, तो उसको वक्र रेखा एक प्रकार से दोस्तों बोला जाता है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट अपन बात करेंगे दोस्तों अब कोण के बारे में। अब कोण की डेफिनेशन क्या है? कोण की डेफिनेशन दोस्तों हम अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार से पढ़ते हैं, लेकिन बिल्कुल जो सही डेफिनेशन है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दो किरणों, अगर एक ही बिंदु से, मान लीजिए एक ही बिंदु से दो किरण प्रारंभ होती हैं, एक किरण ये चली गई और एक किरण ये चली गई, दो यानी कि एक ही बिंदु से दो किरण जब अलग अलग दिशाओं में जाती हैं तो उनके बीच की बनी जो आकृति होती है, इस आकृति को ही दोस्तों क्या बोला जाता है? कोण बोला जाता है। यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या है? एक बिंदु से प्रारंभ होने वाली दो किरणों के मध्य बनी आकृति को ही क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। ये मान लीजिए बिंदु O है, ये आपकी किरण A है, यह किरण B है, यानी कि एक ही बिंदु से दो किरणों के मध्य बनी आकृति को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे OA जो है वो क्या है? किरण है, और OB भी आपकी क्या है? सॉरी, किरण है। OB भी दोस्तों आपकी क्या है? किरण यहाँ पे होगी, तो दो किरणों के, सॉरी, इस प्रकार से निशान आएगा इसका, OA और OB, ये आपकी किरण हो जाएगी। ठीक है, इनके मध्य जो आकृति होगी इसको जो अपन क्या कहते हैं? अपनी कोण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इस बिंदु को क्या बोलते हैं? शीर्ष बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? शीर्ष। जिस बिंदु पे कोण बनता है उसको क्या कहते हैं? शीर्ष। जिस बिंदु पर कोण बनता है उसे शीर्ष कहते हैं। जिस बिंदु पर कोण बनता है उसको शीर्ष बोलते हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। पूछ लिया जाता है कि जिस बिंदु पर कोण बनता है उसको क्या कहते हैं, या फिर शीर्ष की परिभाषाएं हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जिस बिंदु पर कोण बनता है वो शीर्ष कहलाता है, सीधी सी बात आप समझ गए होंगे। तो ये आपकी कोण की डेफिनेशन, यानी कि एक ही बिंदु से प्रारंभ होने वाली दो किरणों के मध्य बनी आकृति को कोण कहते हैं। सीधी सी बात है, समझ गए होंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कोणों के प्रकार के बारे में। अब दोस्तों अपने को पता है कि अपना जो कोण होता है वो 0 डिग्री से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? 0 डिग्री से। तो एक रेखा बना लेता हूँ मैं, और लास्ट कहाँ होता है दोस्तों? 360 डिग्री तक ये अपने कोण होते हैं। अपन सभी को पता है 0 डिग्री से प्रारंभ होके और सबसे बड़ा कोण जो होता है वो कितने डिग्री का होता है? आपका 360 डिग्री का होता है, यही मानते हैं अपन। अब दोस्तों यहाँ पे मैं बना लेता हूँ 90 डिग्री, और यहाँ पे मैं बना लेता हूँ 180 डिग्री, और यहाँ पे अपन बीच में बनाने की अपने को आवश्यकता नहीं है कोई भी। ठीक है, तो ये अपने पास दो कोण हो गए। अब 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में जो कोण, कोण का निशान दोस्तों मैं यहाँ पे थीटा काम में ले रहा हूँ, कोण का निशान क्या लेंगे? थीटा। ठीक है, तो 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में जो कोण बनता है, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं? न्यून कोण। क्या बोलते हैं दोस्तों? न्यून कोण। यानी कि जिसका मान, थीटा का मान इसमें कितना होता है? इसमें थीटा का मान लेस देन होता है 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री से कम होता है, और 0 डिग्री से क्या होता है? एक प्रकार से ज़्यादा भी होता है। 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम वाला कोण दोस्तों क्या कहलाता है? आपका न्यून कोण कहलाता है। इसकी आकृति आप भिन्न प्रकार से देख सकते हो। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से ये जो कोण है ये भी न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है। ठीक है, यानी कि जिसका मान 90 डिग्री से कम हो, 0 डिग्री से ज़्यादा हो, वो क्या कहलाएंगे? आपके न्यून कोण कहलाएंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों 90 डिग्री पे जो कोण बनता है, बिल्कुल जो 90 डिग्री पे बनता है उस कोण को दोस्तों बोलते हैं समकोण। उस कोण को क्या बोलते हैं? समकोण दोस्तों बोला जाता है। ठीक है, जो 90 डिग्री पे बनता है, आप सभी को इसकी आकृति पता है, इस प्रकार से एल आकृति इसकी बनती है, तो ये जो है ये आपका समकोण दोस्तों होगा। अब दोस्तों बात कर लेता हूँ 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम, यानी कि कौन सा कोण आपका ये हो गया, जो 90 डिग्री से तो दोस्तों क्या हो जाएगा? ज़्यादा, और 180 डिग्री से क्या हो जाएगा? कम। इस कोण को बोलते हैं दोस्तों अधिक कोण। इस कोण को क्या बोलते हैं? अधिक कोण। और इसकी आकृति ये आप देख सकते हो, इस प्रकार की किरण होगी,
और यह आपका 90 डिग्री का बनता है, तो अधिक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, यह आपका 180 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम, यानी कि यहाँ जो कोण बनेंगे, इस प्रकार के जो कोण बनेंगे, ये वाले जो कोण हैं, ये वाले जो आपके कोण होंगे, वो सारे के सारे दोस्तों क्या होंगे, अधिक कोण होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आप इनको समझ सकते हो। अधिक कोण भी उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे कि अधिक कोण क्या होते हैं, यानी कि 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम वाले कोणों को अधिक कोण अपन बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इस चीज़ के बारे में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, जो कोण 180 डिग्री का होता है उसको क्या बोला जाता है, तो दोस्तों उसको बोलते हैं अपन सरल कोण। क्या बोलते हैं दोस्तों, सरल कोण। जो कोण 180 डिग्री का होता है उसको अपन सरल कोण के नाम से जानते हैं, और सरल कोण को दोस्तों दूसरा नाम जो है इसका वो है रिजु कोण। सरल कोण का दूसरा नाम है रिजु कोण। सरल कोण को जो दूसरा नाम अगर दें अपन तो क्या देंगे, रिजु कोण इसका नाम दूसरा दोस्तों बताया गया है। और सरल कोण की डेफिनेशन भी क्या बोल सकते हैं कि ऐसा कोण जो एक ही बिंदु, अगर एक ही बिंदु पर एक ही दिशा, दोनों एक ही बिंदु पर विपरीत दिशा में जाने वाली दो किरणें, एक ही बिंदु पर विपरीत दिशा में जाने वाली दो सीधी किरणों से बना जो कोण होता है वो आपका रिजु कोण, सरल कोण या 180 डिग्री का कोण कहलाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। तो इतने कोण पढ़ लिए, एक तो न्यून कोण पढ़ लिया, समकोण पढ़ लिया, अधिक कोण पढ़ लिया, और 180 के कोण को सरल कोण बोलते हैं। अब दोस्तों कौन सा कोण आ गया, वो कोण दोस्तों जिसका मान जो है 180 डिग्री से बड़ा, यानी कि एक ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री से ज़्यादा हो और 360 डिग्री से कम हो, उसको कौन सा कोण दोस्तों बोला जाता है, ये अपने को बताना। तो दोस्तों इसका नाम होता है वृहत कोण, इसका नाम होता है दोस्तों वृहत कोण या फिर प्रतिवर्ती कोण, इसका नाम होता है दोस्तों वृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण। वृहत कोण या प्रतिवर्ती दोस्तों कोण कौन सा कहलाता है आपका, वृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण जो है वो आपका कहलाएगा वो कोण जिसका मान 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम होता है, उसको वृहत कोण कहते हैं। जैसे आप देख सकते हो ये एक किरण हो गई और एक किरण आपकी ये हो गई। ठीक है, तो ये वाला जो, ये तो कोण दोस्तों आपका जाहिर सी बात है आपका कम होगा, लेकिन ये वाला जो कोण है ये आपका 180 डिग्री से तो ज़्यादा होगा और 360 डिग्री से कम होगा, इसलिए इस कोण को क्या बोलते हैं, वृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण दोस्तों बोला जाता है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब लास्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, 360 डिग्री का जो कोण होता है उसको क्या बोलते हैं, तो दोस्तों जो 360 डिग्री का ही हो गया, यानी कि पूरी बात हो गई अपनी, तो संपूर्ण बात होने पर उसको संपूर्ण कोण ही अपन बोलते हैं, यानी कि जो कोण 360 डिग्री का उसको कितना, कौन सा कोण बोलते हैं, संपूर्ण कोण बोलते हैं। जिसका मान 90 डिग्री उसको समकोण, 180 डिग्री उसको सरल कोण। ठीक है, या सरल कोण को अपन रिजु कोण भी बोलते हैं। जो 180 से 360 के बीच में हो वृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण, जो 90 से 180 के बीच हो अधिक कोण, जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य हो उसको न्यून कोण दोस्तों बोला जाता है। तो ये कोणों के प्रकार थे। अब दोस्तों थोड़े और प्रकार भी देख लेते हैं। अगर दो कोणों का योग, इसको आप बना भी सकते हो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से कोई इसमें जो है आपको आसानी से जो है ध्यान में रखने के लिए आप इसी प्रकार से इसको बना सकते हैं। शॉर्ट नोट दोस्तों इन्हीं को बोलते हैं, किस प्रकार से तैयार किया जा सकता है आप बिल्कुल देख चुके हैं, तो इस प्रकार से नोट्स को तैयार करिएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, तीन चार और इम्पोर्टेंट चीज़ है। पहली बात है, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उन्हें क्या बोलते हैं, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री का होता है तो उनको दोस्तों पूरक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूरक कोण बोलते हैं, या फिर इनको अनुपूरक कोण भी बोलते हैं, अनुपूरक कोण। दोस्तों थोड़ा जो है मात्राओं को आप नज़रअंदाज करिएगा, हो सकता है कहीं गलती हो। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसको पूरक कोण या अनुपूरक कोण बोलते हैं। अगर ये योग, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो दोस्तों उसको कौन सा कोण बोलते हैं, उसको दोस्तों अपन बोलते हैं समपूरक कोण। समपूरक कोण यानी कि
जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तब तो उसको बोलते हैं अपन पूरक कोण, और जब 180 डिग्री हो तो उसको बोलते हैं संपूरक कोण। और एक और पॉइंट है इसमें कि जब दो कोणों का योग 360 डिग्री हो जाता है तब उसको संपूर्ण कोण भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? संपूर्ण कोण भी बोल सकते हैं, यानी कि जिस कोण का मान 360 डिग्री है उसको भी संपूर्ण कोण बोलते हैं, और जिस कोण का दो कोणों का मान भी अगर मिलकर के 360 डिग्री होता है तो उन दोनों कोणों को संपूर्ण कोण के नाम से भी जाना जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आपके पूरक कोण, संपूरक कोण और संपूर्ण कोण। पूरक कोण कौन से? जिसमें 90 डिग्री दो कोणों का मान हो। संपूरक कोण से? दो कोणों का मान 180 डिग्री। संपूर्ण कोण कौन से? दो कोणों का मान 360 डिग्री हो तो उनको संपूर्ण कोण बोलते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट है आसन्न कोण। ये दोस्तों अपना लास्ट टॉपिक आज का, नेक्स्ट बात करेंगे अपन अगले वीडियो में। आसन्न कोण दोस्तों कौन से होते हैं? नाम आप देख रहे हो, आसन्न कोण दोस्तों कौन से होंगे? जिसमें एक भुजा क्या होगी? उभयनिष्ठ। एक भुजा जिसमें होती है उभयनिष्ठ, एक भुजा उभयनिष्ठ यानी कि दोनों कोणों में वो भुजा काम में आती है। एक भुजा उभयनिष्ठ, एक शीर्ष भी उभयनिष्ठ इसमें होता है, एक शीर्ष भी उभयनिष्ठ इसमें होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। एक भुजा भी उभयनिष्ठ और एक शीर्ष भी उभयनिष्ठ देख सकते हैं। मान लीजिए ये एक किरण है आपकी, ठीक है, एक किरण आपकी ये हो गई और एक किरण आपकी ये हो गई। ठीक है दोस्तों, ये O है, ये A है, ये B है और ये C मैंने मान लिया। ठीक, अब दोस्तों ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है, ये दोनों कोण क्या होंगे? आपके आसन कोण, यानी कि कोण, कोण का निशान दोस्तों ये होता है कोण A O और B, कोण A O B, कोण A O B व कोण C O B, C O B आसन्न कोण होंगे, आसन्न कोण होंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि क्या देखा आपने कि जब दो कोणों के मध्य एक भुजा उभयनिष्ठ हो, यहां पे उभयनिष्ठ भुजा दोस्तों कौन सी है? ओ बी। ओ बी जो है वो क्या है? उभयनिष्ठ भुजा है दोस्तों। यहाँ पे ओ बी जो है वो उभयनिष्ठ भुजा है, और एक शीर्ष उभयनिष्ठ, तो कौन सा शीर्ष उभयनिष्ठ है? ओ वाला जो शीर्ष है वो आपका उभयनिष्ठ दोस्तों आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। तो जिसमें ऐसे दो कोण जिसमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो और एक शीर्ष जो है वो उभयनिष्ठ हो, यानी कि एक ही शीर्ष पर बने दो कोण, एक ही शीर्ष और एक ही रेखा के दोनों तरफ बने कोण जो होंगे वो उभयनिष्ठ होंगे। आप देख सकते हैं एक शीर्ष और एक रेखा है इसके दोनों तरफ जो, सॉरी एक किरण है इसके दोनों तरफ जो बने कोण हैं उनको क्या कहेंगे अपन? एक प्रकार से आसन कोण कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका आसन कोण। और दोस्तों अगर आसन कोण का मान इन दोनों ये जो आपका आसन कोण हो गया और सी ओ बी और ये ए ओ बी हो गया आपका, इन दोनों का मान अगर इनको जोड़ें, और अगर मान आपका जोड़ने पर, अगर इनको जोड़ने पर मान आपका 180 डिग्री दोस्तों आता है, यानी कि ये कोण जो है इस प्रकार से हों आपके, इस प्रकार से दोस्तों अगर ये कोण हो जाएं तो इनका मान जाहिर सी बात 180 डिग्री आएगा। अगर ये 180 डिग्री मान आता है तो इन इस ये जो दोनों कोण हैं इनको क्या बोलेंगे? रैखिक कोण युग्म, रैखिक कोण युग्म। यानी कि जब दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो उसको रैखिक कोण युग्म बोलते हैं, या फिर इन दोनों आसन्न कोणों को संपूरक कोण भी, संपूरक कोण भी बोला जा सकता है। क्यों? क्योंकि संपूरक कोण का मान भी कितना होता है? दोनों कोणों का ही मान। भाई संपूरक कोण क्या होता है? जिसमें दो कोणों का मान 180 डिग्री होता है जोड़ने पर, ठीक है, और आसन कोण में 180 डिग्री होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर 180 डिग्री हो रहा है तो उसको रैखिक कोण युग्म बोलते हैं, और उसको उनको संपूरक कोण भी फिर अपन बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बात आपके समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों अपन बात करेंगे समांतर रेखा और प्रतिच्छेदी रेखा के बारे में। उसके बाद में जो है कोण और रेखाओं पर आधारित जो प्रश्न हैं उसका एक वीडियो लेक्चर अपन जरूर देखेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।